दोस्तों सलमान खान की फिल्म टाइगर देखने के बाद जितनी भी सलमान खान की फैन लड़कियां फैंस है सभी उनकी मुरीद बन गई है। जी हाँ दोस्तों, कई जगह थिएटर में टाइगर थ्री हाउसफुल चल रही है और कई जगह थिएटर में निकलने के बाद जितनी भी सलमान खान की लड़कियां फैन हैं सभी उनके पोस्टर को चुमती हुई नज़र आ रही है और सभी बोल रही कि सलमान खान इससे बड़ी फिल्म नहीं आ सकती, ये उनकी सबसे बड़ी फिल्म है और उनका ये कहना भी सही है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म ने पहले दिन 43 करोड़ का बहुत ही बड़ा रकम हासिल करके सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म टाइगर थ्री है। इससे पहले उनकी जो टाइगर जिंदा है फिल्म थी वो 32 करोड़ का बिजनेस हासिल किया था, लेकिन टाइगर थ्री ने 43 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड बना दिया है और उसके साथ ही साथ में ये फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 94 करोड़ का बिजनेस किया है एक दिन में और इसका जो दूसरे दिन का कलेक्शन है वो भी 58 करोड़ है और पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग बात करें तो फिल्म दो दिन में 200 करोड़ का बहुत ही बड़ा रकम हासिल कर लिया है और अभी भी कई जगहों पर ये फिल्म सुपरहिट हो रही है, फिल्म पूरी तरह से थिएटर हाउसफुल जा रही है और लोगों का कहना है कि मंडे को कोई भी फिल्म स्लो हो जाती है अपने बिजनेस के मामले में, कोई भी फिल्म हो अपने वीकेंड को बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती है शुक्रवार शनिवार और रविवार, लेकिन ये फिल्म मंगलवार और बुधवार को भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाई कर रही है तो इसका पूरा क्रेडिट सलमान खान को जाता है। तो दोस्तों टाइगर थ्री देखने के बाद जितनी भी सलमान खान की लड़कियां हैं पागल हो चुकी है सलमान खान के ऊपर। तो गाइस आप बताइए कमेंट में, क्या आप टाइगर थ्री देख लिए हैं और देख लिए तो सलमान खान का करेक्टर आपको कैसा लगा, उनकी एक्टिंग कैसी है कमेंट में बताइए। शाहरुख खान का जो कैमियो है और शाहरुख खान के साथ ही साथ में ऋतिक रोशन का भी कैमियो है वो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। और उससे खास बात, जो इमरान हाशमी मेन विलन की भूमिका निभाए हैं वो आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी न्यू अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।